हेलो गाइस, वेलकम है आपका अगेन जंक हेल्दी फीड में। और आज मैं आपका नया वर्कआउट लेके आया हूँ, वो है बाइसेप्स एंड बैक होम वर्कआउट, जिसको आप करते हुए अपना मसल गोल और फैट लॉस गोल कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आज सारा वर्कआउट मैं ये दो बेडशीट से कंप्लीट करूँगा, दो बेडशीट से, यस, बैक एंड बाइसेप्स। सो प्लीज़ वॉच, अच्छा लगे तो लाइक करना और ट्राई जरूर करना एंड लेट मी नो। स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। जैसे आप देख रहे हैं, ये मैं एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड रो। यस, जिम में भी ये सारी एक्सरसाइज होती है, एज हम जानते हैं। जैसे कि अभी जिम बंद है तो हम ये परफॉर्म कर रहे हैं घर पे बेडशीट के साथ। इसका सेटअप मैंने अपनी लास्ट वीडियो में चेस्ट वर्कआउट में दिया है। अगर आपको ये सेटअप समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस बेडशीट को मैंने वहाँ लगाया, आप मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखो, आपको सारा समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपने फुल कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करना है, क्योंकि हम बॉडी वेट से ही कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी तो बिल्कुल मत करना, बैक से एकदम पुल करना और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट करना। अब अगर आपको एक्सरसाइज डिफिकल्टी लग रही है, आप पे ज़्यादा भारी लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, पैर को दरवाजे से दूर लेके जाएंगे तो ये एक्सरसाइज ईजी हो जाएगी। और अगर आपको ईजी लग रहा है, आप पैर को दरवाजे के पास लेके जाएंगे, जिससे एक्सरसाइज डिफिकल्टी हो जाएगी। आप उस अगर एडवांस हैं, आपको इजी लग रहा है, तो आप ऐसे परफॉर्म करो। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, सेम वेरिएशन है बट डबल हैंड के साथ, मोर मिड बैक को फोकस करने के लिए, मिड बैक के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। पिछले एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे, लैट को ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब हम मिड की थिकनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें सेम परफॉर्मेंस करना है जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया, कि दो हाथ से पकड़ना है, फुल स्ट्रेच करना है और बैक से अपनी बॉडी को वापस कॉन्ट्रैक्ट, पुल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट करना है। आराम से करना, जिससे ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आए और इजीली आप मसल ग्रोथ कर सकें। और सेम जैसे कि अगर आप इजी लग रहा है तो आपको पैर को दरवाजे के पास लेके जाना है, एंड अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो पैर को दरवाजे से दूर लेके जाना है। गाइज, अब मैंने स्टार्ट किया है बाइसेप एक्सरसाइज। यस, अब आपको लग रहा होगा सिर्फ मैंने बैक की दो ही एक्सरसाइज परफॉर्म करी है। यस, अब घर पे रह के आप हम इसी को ही परफॉर्म करें तो बहुत बेनिफिट होगा और इनफ रहेगा मसल ग्रोथ को और फैट लॉस को कंटिन्यू करने के लिए। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सुपरनेट करके मैंने पकड़ा हुआ है बेडशीट्स को। जैसे आप बारबेल को सुपरनेट एंगल पे पकड़ते हैं रिस्ट की, उसको तरह बाइसेप से पूरी बॉडी को मैं पुल कर रहा हूँ। देखने में बहुत ईजी लग रहा है और इजीली नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं। आपके फोर आर्म पे, बाइसेप पे बहुत अच्छा टेंशन आएगा और आप हर एक रैप पे एंड पे स्क्वीज जरूर करना अपने बाइसेप्स को, जिससे कि ब्लड फ्लो बहुत इंप्रूव होगा और मसल ग्रोथ में आपको हेल्प मिलेगी। यस गाइस, अब मैं फाइनल एक्सरसाइज पे मूव हो चुका हूँ। ये है हैमर कल परफॉर्म कर रहा हूँ मैं बेडशीट के साथ, और आई नो फुटेज अच्छी नहीं है, आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग नाउ, कि मैंने क्या किया है। अभी हैमर कल को, जैसे आप हैमर कल लगाते हैं, उस पोजीशन में अपने रिस्ट को रखा है और बेडशीट को पुल कर रहा हूँ सिर्फ बाइसेप से, नॉट बैक से, नो बॉडी को, फुल बॉडी को मैं अपने बाइसेप से पुल कर रहा हूँ, जिससे कि ये एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट हो जा रही है और आपका फोरआर्म और बाइसेप में अच्छा टेंशन आ रहा है, और इसको जो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन पे अच्छी तरह ध्यान देना, बिल्कुल जल्दी जल्दी करने की कोशिश मत करना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो अब तक मैंने किया, कि मैं बोलते आ रहा हूँ, लास्ट वीडियो में बोला और इसमें भी बोला है मैंने, कि अगर आपको एक्सरसाइज इजी लग रही है, आप क्या करेंगे, पैर को दरवाजे के पास लेके जाएंगे तो ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट होती जाएगी, और अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रही है तो आप क्या करेंगे, पैर को दरवाजे से पीछे ले जाएंगे। बहुत ही अच्छा वे है ये घर पे ट्रेन करने के लिए, कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है कि हम ट्रेन नहीं कर पा रहे। मैं भी देता था बट अब मैं ट्रेन कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से ऐसे ही, और मेरा बॉडी मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ बाय दिस एक्सरसाइज। ये रहा आपका गाइस पुल वर्कआउट। पुल वर्कआउट मतलब बैक एंड बाइसेप, जो हमने बेडशीट से परफॉर्म किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें सेट्स दे रखे हैं, सेट्स थोड़े ज़्यादा हैं मैं मानता हूँ, क्योंकि हम दो ही एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से हमने सेट्स ज़्यादा रखे हैं। अगर आप बिगनर हैं तो 4 to 4 सेट्स तक लगाइए, और अगर आप एडवांस हैं तो आप 5 सेट्स तक लगाइए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने रैप रेंज नहीं दिया। रैप रेंज इसलिए नहीं दिया क्योंकि रैप रेंज हर एक बंदे के लिए अलग अलग वैरी करता है, कि वो कैसे फील कर रहा है, वो किस लेवल पे है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप क्या करें, फेलियर से 1-2 रैप पहले रुक जाएं। एडवांस हैं तो अगर आप फेलियर जाना चाहते, जाओ
बट अगर आपका रिकवरी सफर कर रही है तो आप फेलियर मत हिट करिए, आप इस एक्सरसाइज को पूरा एक ही दिन में करना है, क्योंकि ज़्यादा वर्कआउट नहीं है। इंटरमीडिएट, एडवांस, बिगिनर कोई भी हो, ये इजीली ये वॉल्यूम हैंडल कर सकता है। जो भी हो, मैंने आपको पहले बताया कि ये घर पे कर रहे हैं तो हमें माइंड एंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, खासकर बैक ट्रेनिंग जब भी करते, चाहे जिम में करें चाहे घर में करें, अगर माइंड, क्योंकि हम उस मसल को नहीं देख पा रहे, इसलिए कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करना, हर एक रैप में कॉन्ट्रैक्ट करना, और डेफिनेटली आप मुझे आके कहोगे कि पंप वॉज ग्रेट, क्योंकि मेरा पंप भी बहुत ऑसम आया था वर्कआउट के बाद। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ध्यान ध्यान से करना, आराम आराम से करना इस वर्कआउट को। एंड यस, किसी भी एक्सरसाइज में अगर आप 30 रैप से ऊपर निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप स्ट्रांग हो गए हैं उस वर्कआउट में, उस मूवमेंट में। आप इस वर्कआउट को कैसे डिफिकल्ट कर सकते हैं, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपने पैर को अगर आप दरवाजे के पास लेके जाएंगे और पीछे ज़्यादा लटकेंगे तो ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट हो जाएगी, और अगर आप पैर को दरवाजे से दूर लेके जाएंगे ये एक्सरसाइज ईजी हो जाएगी। बट जो भी करना, ध्यान से करना, अपने को इंजर्ड मत करना, पहले पहले धीरे धीरे करना, समझना, अगर नहीं समझ आ रहा वीडियो को दोबारा देखना, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी वर्कआउट अगर फॉलो कर लो, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और मैं फिर से बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा टाइम है आपको अपने बारे में सोचने के लिए। आप लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे पास कुकिंग का टाइम नहीं है, अभी हम सब घर पे बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ अपने हेल्थ के लिए सोचिए, अपने फैमिली की हेल्थ के लिए सोचिए। वर्कआउट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए ज़रूरी है। अपना एक मील प्लान बनाइए कि मुझे ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, और अगर कुछ ना समझ आए आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मेरे कॉन्टैक्ट करो, मुझे मेल करो, मैं कस्टम प्लान डिज़ाइन करता हूँ प्रोफेशनली, और आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, आपको एक गाइडेंस मिलेगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आई होप आपको अपना समझ आया होगा, थैंक यू। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वर्कआउट पसंद आया होगा, प्लीज़ ट्राई करो इस वर्कआउट को, बहुत बेनिफिशियल है, आपको घर बैठे बैठे बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि जिम बंद है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करो आपके सबके साथ, लाइक करो अगर पसंद आया तो, और सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वर्कआउट के साथ, लेट्स सी, बाय।